गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विलावर प्रशांत कुमार साहू। चलो, आज शनिवार है, आपको बता रहा हूँ कि पीजीटी तक का पूरा फुल डिटेल्स। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो, प्लीज़ शेयर करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ, मैं चार्जर के बारे में कुछ बताया नहीं था ना, चार्जर ख़राब हो गया था तो उसके पहले लेके आया हूँ, आपको वीडियो दिखाया था, जा गया था शोरूम पे बरमपुर और बरमपुर से लेके आया था। तो आने के बाद तो अपना चार्जर का अपडेट कुछ हो गया है। बताना, पहले गाड़ी 3.5 घंटा 4 घंटे में चार्ज हो रहा था, 3 घंटा 45 मिनट में चार्जिंग हो रहा था फुल चार्जिंग। लेकिन अभी जो नया चार्जर मिला है, चार्जर तो वही है लेकिन अंदर के सामान कुछ चेंज किए हैं वो लोग। तो चेंज करने के बाद अभी हमारा 2 घंटे से 2:15 के अंदर चार्ज हो जा रहा है, फुल चार्ज हो जा रहा है पूरा। बोले तो हाई स्पीड 3 किलोवाट चार्जर लिखे हैं लेकिन 5 किलोवाट का काम करता है। हम तो बहुत खुश है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे सामने कि हमको गाड़ी तो फुल चार्ज हो रहा है लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, क्या बोले तो बैटरी ठंडा कूल नहीं हो पा रहा है, कूलिंग फैन चालू रहता है। गाड़ी फुल चार्जिंग हो जा रहा है लेकिन कूलिंग फैन बंद नहीं हो रहा है। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा चालू रखो फिर भी कूलिंग फैन बंद ही नहीं हो रहा है। पहले कूलिंग फैन बंद हो जाता था 2 घंटा 3 घंटा 45 मिनट में, और जब भी 2 घंटे के बाद तो फुल हो जा रहा है लेकिन चार्जिंग कूलिंग फैन बंद नहीं हो रहा है, मतलब कूलिंग नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से गाड़ी हमको झटका मार रहा है, जो शट डाउन हो जा रहा है। 1 किलोमीटर अभी 100% चार्ज हो जा रहा है, हम ऐप में देख रहे हैं, मोबाइल ऐप में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा गाड़ी 100% चार्ज हो गया है, लेकिन चलाने के बाद पूरा 1 किलोमीटर तो शट डाउन हो जा रहा है। चलते चलते मैं भी वीडियो डाला था, आप लोग देखे होंगे कि डालूंगा, बोले तो थोड़ा सा चलेगा फिर शट डाउन, थोड़ा सा चलेगा फिर भी शट डाउन, थोड़ा सा चलेगा फिर भी शट डाउन, चाबी ऑन करो ऑफ करो, चाबी ऑन करो ऑफ करो, बार बार करना पड़ता है। तो वही एक बड़ा बिग प्रॉब्लम है। मैनेजर से बात किया था, मैं अगले वीडियो में उनका बाद रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा क्या बात हुआ है। तो बोले हैं कुछ सॉल्व करेंगे लेकिन आज तक कुछ किया नहीं है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है क्योंकि 2 घंटे में गाड़ी पूरा फुल चार्ज हो जा रहा है। 7 किलोवाट का बैटरी, 7 किलोवाट का बैटरी को 2 घंटा लगता है पूरा फुल चार्ज होने में, क्या बात है। बहुत मस्त है, इमरजेंसी अच्छा काम में आएगा। ठीक है, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ मेरा फार्म का भी। हाँ हाँ, मेरा फार्म, मेरा दूध का भी धंधा है, डेयरी फार्म है। मैं आपको बताया नहीं कि मेरा डेयरी फार्म है, बताया था बहुत बार लेकिन कभी दिखाया नहीं। चलो आज दिखाता हूँ डेयरी फार्म कैसा है मेरा, कितना गाय है, क्या है, कुछ है सब कुछ। चलो ये देखे हैं, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में, वो डाले हैं हम लोग, छत्ती उड़िया में बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं याद नहीं, थोड़ा मौसम नहीं, वो क्या उसको बोलते हैं। चलो ये हो गया अपना गाय का फार्म, ये सब खाना पीना देने के लिए। ये एक है, अभी इसको 18 महीना हो गया है, अभी ये आएगा प्रेगनेंट के लिए, इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये गाय है मेरा, ये 40,000 में लाया था, 40,000 ओनली, मस्त है, 10-12 लीटर तक दूध देता है। अजा नंदी नंदी, ये सब इंश्योरेंस किए हैं हम लोग रेडी। चलो ये एक है, इसका अभी 10 महीने चालू है, ये 8-10 दिन के अंदर बच्चा देने वाला है, ये भी भारी रेट में जाएगा, ये 15 लीटर दूध देता है, देने वाला है, देता है, फैन भी चालू है, सुबह का टाइम है। ये तो अपना है सबसे बड़ा, ये तो कम से कम सुबह 14 लीटर, शाम को 10-12 लीटर सब देता है, मस्त है फिर। चलो ये मेरा छोटा सा फार्म है, डेयरी फार्म, ये एक है सुंदरी। कमला
से लो, ये भी 10-12 लीटर दूध देने वाला। सबसे बड़ा यही है जो कि सुबह 12 लीटर 14 लीटर, शाम को 10 लीटर, दिन में 24 लीटर कैपेसिटी है। 3 लीटर के हिसाब से 75,000 का रेट है, प्राइस है। ये मेरा खुद का है, ये खरीदा नहीं है, खुद का है। ये सब खाना सब रेडी है खाने के लिए। चलो दूसरा फार्म देखता हूँ, दूसरा भी गंदा है। ये मुर्गी, देसी मुर्गी का भी रखा हूँ, देसी मुर्गी गाँवटी, गाँवटी बोलते हैं हिंदी में ना, गाँवटी वाले। देखो उसका माँ, उसका बच्चे, ये एक है। ये वायरल कुछ हो गया था बीमारी, तो वायरल की बीमारी की वजह से 6 महीना हुआ था, प्रेग्नेंट हुआ था, लेकिन खराब हो गया, बच गया। 3-4 हज़ार खर्चा हुआ लेकिन बच गया, नसीब अच्छा है बच गया। गांव में तो बहुत गाय मर गए, लेकिन अपना नसीब अच्छा था, बच गया। ये अभी 7-8 लीटर दूध देता है, छोटा सा है दिखने में, लेकिन 7-8 लीटर दूध देता है। ये भी 6 महीना प्रेग्नेंट है, 4 महीने बाद हो जाएगा। ये एक अंडे के लिए रखे हैं, अंडा देने वाले हैं। ये 3 महीना, 2-2.5 महीने का हो गए हैं, ये 7 महीने में अंडा देने वाले हैं। देसी मुर्गी ये फिलहाल 35 है, देसी मुर्गी तो है, वो सब बाहर घूम रहे हैं। चलो वो धान, धान जो है ना, राइस और धान, धान दिया है खाने के लिए। चलो ये है, अपने पास इतना सा काम है, सुबह का काम, सुबह का काम यही है मेरे लिए। अभी काम ख़त्म कर दिया हूँ, सुबह सुबह अभी दूध, दूध का काम भी हो गया है। चलो 100 के ऊपर है मेरे पास मुर्गी, अंडे तो निकलते रहते हैं। चलो भाई फ्रेंड्स, मैं चार्जिंग के बारे में कल बताऊंगा पूरा फुल डिटेल्स, क्या हुआ क्या नहीं।